डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.3 को पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक के डिस्कस कर लिए थे हम लोग। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को क्वेश्चन है 10 के पावर 4x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। इसको हम लोग पावर 4 को दो फॉर्म में तोड़ दिए, टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर के फॉर्म में। फिर 10th क्लास में हम एक फार्मूला पढ़े थे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोगों को फार्मूला था क्लास 10th में। ये कहाँ से फार्मूला आया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ये फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, इसी से निकला है टेन स्क्वायर का फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेन स्क्वायर एक्स है, तो इससे हम एक टेन स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में क्या, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि दो ठो टेन स्क्वायर था, तो एक टेन स्क्वायर को हम क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, एक टेन स्क्वायर एक्स ई वाला को वैसे ही छोड़ दिए। अच्छा, फिर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरा इसको हम लोग इससे मल्टीपल कर देंगे माइनस 1 को टेन स्क्वायर से, और यहाँ पे डी एक्स। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं प्लस और माइनस में रहता है तो अलग अलग हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, और माइनस में है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ वाले सवाल को टेन एक्स को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, लेट टेन एक्स को हम मान लिए टी, टेन एक्स को क्या मान लिए टी। ठीक है, अब टेन एक्स को टी मानेंगे तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें तो अब हम लोगों को यहाँ मिल गया कैसे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके जगह पे तो डी टी रखेंगे, टेन एक्स को हम टी ली, टेन एक्स को टी माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, यानी कि टेन एक्स को हम टी मान लिए, तो टेन एक्स को टी मान लिए, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर डी एक्स को हम डी टी लिख दिए, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और माइनस ये टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो सेक एक्स, टेन एक्स स्क्वायर एक्स का सेक एक्स होता है। ठीक है, सॉरी, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इट मीन्स कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ये जो टेन स्क्वायर एक्स है ना, इसका सेक एक्स नहीं होता है, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा फिर से, माइनस है, माइनस बाहर कर लिए हम लोग, अब माइनस बाहर कर लिए तो इस टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे फिर से वही फार्मूला, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है तो इसके जगह पे लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू में डी एक्स। यहाँ टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी का मतलब क्या हुआ, इसका अगर इंटीग्रेशन टी के पावर 3/3, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, इसको अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो माइनस में टूटेगा
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी एक्स, देख पा रहे होंगे, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वन इंटू डी एक्स। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टी के पावर 3/3। अब टी किसको माने हैं, तो टी हम किसको माने हैं, टेन एक्स को ना, तो यहाँ पे टी के जगह पे हम टेन एक्स को रख दिए 3/5। माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसके जगह पे होता है टेन एक्स, प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, प्लस सी लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो माइनस है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कहाँ पर रख देंगे, तो टेन एक्स के जगह पर रखेंगे, टेन एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे और फिर हम लोगों को ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में कुछ हम लोगों को अपना दिमाग भी लगाना होता है ताकि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। चलिए, तो ये था हम लोगों को 16 नंबर, ये हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साइन क्यू एक्स प्लस कोस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं कि ये प्लस में है तो अलग अलग टूटेगा, यानी कि साइन क्यूब एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में इसको तोड़ देंगे तो कोस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और पूरा का डी एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन क्यू है, तो कट जाएगा, एगो साइन बचेगा, यहाँ कॉस क्यू है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो एगो कॉस बचेगा। तो कुल मिलाकर इसको अलग अलग किए तो हम लोगों को बना साइन एक्स बटा, नीचे कॉस स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस ऊपर क्या है कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स और पूरा का डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, और यहाँ वन बाई कॉस क्या होता है सेक, तो यानी कि वन बाई कॉस को हम लोग कर लिए सेक, अब साइन बाई कॉस को कर लिए टेन एक्स, ठीक है, प्लस वन बाई साइन हो जाता है कॉसेक, और कॉस बाई साइन क्या होता है इंटू कॉटेक्स इंटू डी एक्स। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग तोड़ लिए, अब अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ सेक एक्स टेन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स, तो इसको हम लोग अलग अलग डी एक्स के साथ करेंगे, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, आपको फार्मूला याद करवाए हैं, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, इसका हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, तो प्लस का प्लस और कॉसेक एक्स कॉटेक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी ऐड कर लेंगे, तो यहाँ कुल मिलाकर आप आंसर लिख दीजिएगा सेक एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, तो कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप एक फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला कौन सा तो देख पा रहे होंगे, कॉस टू थीटा का फार्मूला हम आपको, ठीक है, कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला कॉस टू थीटा का फार्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू एक्स है तो कॉस टू एक्स की जगह पे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ एक्स है, कॉस टू एक्स का फार्मूला क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस टू एक्स की जगह पे रख दिया और प्लस क्या है टू साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा में क्या कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या पूरा डी एक्स, यहाँ डी एक्स लिख दीजिएगा जगह नहीं है, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो वन बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वन बाई कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है तो वन बाई कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ टेन एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोगों को सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, वन बाई कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स। ठीक है, सिंपल वे में थोड़ा सा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, आपको सिंपल वे में इसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख पा रहे होंगे, वन बट्टा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये हम लोगों का है। अब दोस्त हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन इस वन के जगह पे हम टेंथ क्लास में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ वन है तो वन की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम कैसे किए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को दोनों ऐड में कर दिए और बट्टा में वही है, और हम लोग जानते हैं कि ऊपर अगर ऐड और सबस्ट्रैक्ट यानी जोड़ और घटाओं में रहता है तो हम लोग करते क्या है तो इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, मतलब देख पा रहे होंगे अब हम लोग इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है और प्लस कोस स्क्वायर एक्स है तो ये दोनों तो प्लस में है, तो जब प्लस में रहता है तो हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, जैसे इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, यानी इसको तोड़ दिए, इसको कैसे तोड़ दिए साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ दिए, ये साइन से एक गो साइन कटा कोस स्क्वायर एक गो कोस कटा तो ऊपर क्या बच रहा है अब, और पूरा का ध्यान दीजिए डी एक्स है, यहाँ ऊपर बच रहा है साइन एक्स और बट्टा में कॉस एक्स का क्यूब। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है तो यहाँ पे बच रहा है वन बट्टा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं कॉस एक्स सिर्फ बच रहा है कॉस एक्स। ठीक है, और पूरा का क्या डी एक्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे सिंपल वे में हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन एक्स बटा में कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख दिए तो इसको लिख दिए हम लोग साइन एक्स और ये कॉस क्यू था तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, प्लस यहाँ पे कॉस एक्स है ना वन बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है,
तो हम लोग सिंपल ये कर सकते हैं कि वन बटा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है इसको हम लोग कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए और इंटू कॉस एक्स से गुना कर दिए और पूरा का डीएक्स, ठीक है, देख पा रहे होंगे। अब ये साइन बाई कोस क्या बन रहा है, साइन बाई कोस टेन एक्स, साइन बाई कोस टेन एक्स, ठीक है, इंटू वन बाई कोस स्क्वायर। तो वन बाई कोस स्क्वायर क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वन बट्टा, ठीक है, साइन बाई कोस क्या हुआ, साइन बाई कोस टेन एक्स, नीचे हो गया साइन बाई कोस टेन एक्स, और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स और पूरा का डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ें तो यहाँ बन रहा होगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में टेन एक्स और पूरा का डी एक्स, ठीक है। और जैसा कि आप जानते होंगे अलग अलग तोड़ सकते हैं अगर प्लस में रहता है, तो यहाँ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टा टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दोनों ही सवाल में टेन एक्स को टी मानेंगे, टेन एक्स को लेट टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स बराबर टी। तो टेन एक्स बराबर टी अगर करेंगे तो टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी। यहाँ पे टेन एक्स को टी मानेंगे तो टेन एक्स को तो ये हो गया टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे हो गया डी टी, तो हम लोगों को ये हो गया टी डी टी, ठीक है, क्योंकि टेन एक्स को हम माने टी हैं और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी, यानी कि इस टेन एक्स के जगह पे टी हो गया और इस पूरा के जगह पे डी टी हो गया, तो टी डी टी प्लस, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ टेन एक्स को टी माने हैं और ऊपर हो गया डी टी, यानी कि डी टी अपॉन टी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को बन क्या रहा है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टी, इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, वन बाई टी डी टी, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टी, और वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी प्लस सी। अब जिसको टी माने थे, टी किसको माने हैं, टेन एक्स को, तो यहाँ हो जाएगा टेन एक्स बाई का होल स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग के अंदर में टेन एक्स प्लस सी, ये हम लोगों को आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा देंगे तो हम लोगों को इजी वे पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, तो 20 में बोल रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से कॉस 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको तोड़ दिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी ऊपर वाला को हम तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक ठो है, ये दो ठो है, तो एक खत्म हो जाएगा यहाँ डी एक्स, ठीक है।
यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे सवाल को तो सॉल्व किए हैं, नीचे वाला को टी मान लीजिए तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मान लिए टी, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स और पूरा का डी एक्स बराबर डी टी। इसको हम लोग अच्छा से लिखें तो ये लिख सकते हैं कि कॉस एक्स प्लस में है तो कॉस एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स और पूरा का डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, यानी कि कॉस एक्स को प्लस में आगे लिख दिए, ये माइनस साइन एक्स को पीछे लिख दिए डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बन क्या रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम माने हैं नीचे टी, और ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि वन बाई टी डी टी। ठीक है, वन बाई टी डी टी का मतलब क्या, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी का मतलब क्या, टी किसको माने हैं तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था जो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं हम लोग टेंथ में फार्मूला पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला पढ़े थे ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला पढ़े थे, तो इस कॉस एक्स के जगह पे वही फार्मूला लगाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, तो इस कॉस एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि कॉस यहाँ पे एक्स है तो इस कॉस एक्स के जगह पे हम फार्मूला लगा दिए साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हम लोग फार्मूला यूज कर लिए। अब ये फार्मूला यूज करने का फ़ायदा बन गया, कौन सा फ़ायदा भाई, तो हम लोग पढ़े ना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, क्यों, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स कट गया, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स साइन अगर कटता है कैंसिल आउट हो जाता है, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 90 डिग्री माइनस एक्स और इंटू डी एक्स, और 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 90 को पाई बाई टू लिख सकते हैं, और अलग अलग हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो पाई बाई टू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, पाई बाई टू को बाहर निकाल लिए तो सिर्फ डी एक्स बच रहा है, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का पावर कितना है वन ना, अब एक्स के पावर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स के पावर टू बाई टू प्लस सी, तो पाई बाई टू तो ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 21। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, वन बटा में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, वन बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन है। दोस्तों ऐसे सवालों में हम लोगों को कुछ अपने तरफ से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ताकि हम लोगों को यहाँ पे बन सके, क्या बनेगा जरा देखिए सवाल में क्या है, सवाल में हम लोगों का इंटीग्रेशन है वन बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको अपने तरफ से साइन बी माइनस ए और साइन बी माइनस ए से गुना भागा कर दिए, देखिए यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इंटू डी एक्स, हम क्या किए, ये तो हम लोगों को सवाल था वन बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और अपने तरफ से इंटू कर दिए साइन बी माइनस ए ऊपर और साइन बी माइनस ए नीचे।
ठीक है, और इंटू डी एक्स। दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब हम लोग ये कर सकते हैं, साइन बी माइनस ए तो नीचे वाला कांस्टेंट ना है, क्योंकि ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, तो नीचे वाला साइन बी माइनस ए जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए। साइन बी माइनस ए कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया। ऊपर क्या बच रहा है, तो साइन बी माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप ये तो बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट था साइन बी माइनस ए। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन बी माइनस ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो साइन के अंदर में एक्स माइनस ए, ठीक है, साइन के अंदर में एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी भी तो लिख सकते हैं ना भाई, देख लो। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि b माइनस ए है, x माइनस ए और माइनस एक्स प्लस बी, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कट गया, तो इसको हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे कि यानी कि ये जो b माइनस ए है ना, इसको तोड़ दिए हैं अंदर, ये x माइनस ए है, x माइनस ए है और माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस बी, तो माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट गया ना, तो b माइनस ए ही ना बच रहा है, ये माइनस में a है और ये प्लस में भी है, तो हम लोगों को तो b माइनस ए चाह रहा था, तो अपने तरफ से x और माइनस एक्स को ऐड और सबस्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे हम b माइनस ए को इतना लिख सकते हैं, और बटा में क्या, तो cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। और एक फार्मूला याद रखिएगा, साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a cos b इन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी ये हम लोगों को फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये 11th क्लास में हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो हम लोगों को बन क्या रहा है, 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन ए एक जगह पे है x माइनस ए और b के जगह पे है x माइनस बी, तो फार्मूला क्या होगा, साइन a यानी कि x माइनस ए इंटू कॉस बी यानी कि x माइनस बी माइनस कॉस ए यानी कि x माइनस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी यानी कि साइन x माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और पूरा का बट्टा कितना, पूरा का बट्टा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस में, तो जब प्लस और माइनस में रहता है तो हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर कितना आया, तो वन बट्टा साइन बी माइनस ए तो ऑलरेडी बाहर है, और हम लोग जब अंदर करके तोड़ेंगे इंटीग्रेशन अंदर करके तोड़ेंगे तो ये होगा क्या, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और बट्टा में कितना होगा, तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और इसका पूरा बट्टा हो जाएगा कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यानी कि जो नीचे था कॉस x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू में था, इसको माइनस में अलग अलग इसके नीचे भी तोड़ दिए, इसके नीचे भी तोड़ दिए, तो जब इसके नीचे तोड़ दिए तो x माइनस बी कॉस वाला कट रहा है, यहाँ कट रहा है कॉस x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी ए कट रहा है, तो कुल मिला के अब क्या आ रहा है, तो वन बट्टा साइन बी माइनस ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऊपर क्या बच रहा है, तो साइन एक्स माइनस ए बटा कोस एक्स माइनस ए, तो इसको लिख सकते हैं ना टेन एक्स माइनस ए, और यहाँ माइनस यहाँ बच रहा है साइन यहाँ बच रहा है कोस, तो टेन एक्स माइनस बी, ठीक है, पूरा का डी एक्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वन बटा साइन बी माइनस ए तो बच ही रहा है, अब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं
तो टेन एक्स का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ सेक एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तो ठीक है साइन बी माइनस ए, ठीक है बी माइनस ए, और यहाँ पे ब्रैकेट टेन एक्स माइनस ए का क्या होगा, तो टेन एक्स माइनस ए का होगा लॉग लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस ए, ठीक है लॉग यहाँ सेक होगा, जैसे यहाँ टेन एक्स था तो सेक हो गया, टेन एक्स माइनस ए है तो सेक एक्स माइनस ए, फिर माइनस तो माइनस कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस है, टेन एक्स माइनस बी का क्या होगा, तो लॉग के अंदर सेक एक्स माइनस बी का मॉड ब्रैकेट। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस सेक को लिख सकते हैं वन बाई कॉस, इस सेक को लिख सकते हैं वन बाई कॉस, यानी कि हम लोगों को ऐसे बन रहा है वन बाई साइन बी माइनस ए, ठीक है ब्रैकेट यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग के अंदर सेक एक्स माइनस ए है ना, तो सेक को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है लॉग के अंदर ए हो गया, फिर माइनस लॉग के अंदर सेक एक्स माइनस बी है, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ठीक है ये पूरा का ब्रैकेट डी के डी एक्स। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे वन बाई साइन बी माइनस ए, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ सीख सकते हैं, लॉग के अंदर ये कॉस एक्स माइनस ए है तो कॉस के पावर माइनस वन चला जाएगा, और एक्स माइनस ए लिख सकते हैं ना भाई, देख लो क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि जब नीचे वाला रहता है कॉस के पावर कुछ नहीं है तो वन है, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा माइनस वन, फिर है वैसे ही माइनस लॉग तो लॉग है, और ये जो कॉस है ऊपर जाएगा तो कॉस के पावर माइनस वन बन जाएगा, और एक्स माइनस बी और पूरा का डी एक्स, ठीक है सॉरी पूरा का डी एक्स नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो गया ना, तो डी एक्स कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस सी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी। अब आप एक फार्मूला पढ़िए, लॉग अगर एम के पावर एन होता है, लॉग अगर एम के पावर एन होता है तो पावर को पहले लिख देते हैं, यानी कि एन लॉग एम लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरीके से वन बाई साइन बी माइनस ए ब्रैकेट, यहाँ पे पावर क्या है माइनस वन, तो माइनस वन आगे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, क्यों, क्यों लॉग के पावर अंदर वाला का पावर रहता है तो ये बाहर आ जाता है, पीछे आ जाता है एन लॉग एम, तो यहाँ पावर माइनस वन है तो ये पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस वन है तो ये पीछे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना, तो लॉग के अंदर कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग एक और लिख सकते हैं वन बाई साइन बी माइनस ए इंटू, सबसे पहले प्लस वाला को लिख सकते हैं, तो सबसे वाला प्लस वाला लिखेंगे तो लॉग कॉस के अंदर लॉग कॉस के अंदर एक्स माइनस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस के अंदर एक्स माइनस ए, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब हम लोगों को ये फार्मूला पे, कौन सा फार्मूला पे, तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बटा में एन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लॉग एम है और ये लॉग एन है, तो इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं वन बाई साइन बी माइनस ए इंटू लॉग एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन है तो कॉस एक्स माइनस बी बट्टा कॉस एक्स माइनस ए, तो ये लॉग के अंदर में हो गया, ठीक है लॉग के अंदर में लॉग एम बट्टा में एन प्लस सी, और यहाँ ध्यान रहे इंटू ये होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग लॉग एम माइनस एन था,
तो माइनस को हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, लॉग एम बट्टा में लॉग एन। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का ये आंसर हो गया। तो ज़रा इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे लॉग का कुछ फार्मूला यूज हो रहा है, जो यहाँ पे फार्मूला हम लिख दिए हैं कि किस फार्मूले पे हम इसको तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक के किए, अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हालांकि और भी दो ही क्वेश्चन बच रहे हैं, आप अगर चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन बनाना 23 और 24, अगर बनता है आप ज़रूर बनाकर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।